धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय, आज भारत पूरे विश्व में इस्पात के निर्माण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भाई धर्मेंद्र प्रधान जी की अगुवाई में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। महोदय, भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन का उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो अभी वर्तमान में करीब 100 मिलियन टन है, जो पूरा होता हुआ प्रतीत होता है। महोदय, भारत सरकार ने इस्पात उद्योग में अनुसंधान और अनुसंधान की प्रक्रिया में इस्पात उत्पादक उद्यमी जो निजी क्षेत्र में हैं उनके सहयोग से भी एक उनकी भागीदारी का महत्व समझते हुए स्टील रिसर्च टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया अर्थात SRTMI का गठन किया है, और इस महत्वपूर्ण और दूरगामी पहल के लिए मैं माननीय इस्पात मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। महोदय, ज्ञात हुआ है कि SRTMI के संचालन के लिए सोसाइटी का गठन हो चुका है, और इसके लिए मेरा मानना है कि मुख्यालय के लिए और उसके लैब के लिए झारखंड की राजधानी रांची सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। महोदय, हम सब जानते हैं कि झारखंड में प्रचुर मात्रा में लौह कोयला सभी तरह के इनपुट हैं, तथा रांची एक ऐसी जगह में स्थित है जहां से निजी क्षेत्र के स्टील कारखाने टाटा स्टील, JSPL इत्यादि हैं, तथा भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर इत्यादि जो पब्लिक सेक्टर के कारखाने हैं वो सब कुछ घंटों की दूरी में हैं। और इसके अलावा वहाँ पे कुछ रिसर्च लैब जो विश्व के नामे जाने रिसर्च संस्थान है, जैसे सेल का R&D या नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जो जमशेदपुर में है, इत्यादि भी उपलब्ध है। वहाँ पे HEC है, एक लोक उपक्रम जो कि अच्छी हालत में नहीं है, उसके पास में काफ़ी मात्रा में जगह और भवन भी खाली है, काफ़ी सुविधाएँ भी है। उल्लेखनीय है महोदय कि भारत में लो ग्रेड कोल, लो ग्रेड आयरन ओर के स्टॉक में भारतीय तकनीकी के साथ छोटे मध्यम प्लांटों ने करीब करीब 60% इस्पात आज हम उत्पादन कर रहे हैं, जो कि विश्व में कहीं नहीं हो रहा है। महोदय, इन क्षेत्रों में भी यदि R&D का सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी प्रगति हो सकती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि पहले के इस्पात मंत्री ने प्रॉमिस किया था, हमारे मुख्यमंत्री जी रघुवर दास जी के साथ मैं भी गया था, कि SRMTI का मुख्यालय रांची में खोलने की प्रक्रिया शीघ्र करें, और इसमें देरी देश के लिए अच्छी नहीं होगी। धन्यवाद। डॉक्टर नरेंद्र यादव। थैंक यू सर। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, आई वुड लाइक टू इन्वाइट द अटेंशन ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस to a very serious problem. Sir, cyber terrorism or cyber attacks on critical informational infrastructure is a matter of grave concern. Critical information infrastructure typically includes, sir, those facilities, those systems, those functions whose incapacity or destruction can weaken the national security, governance, economy and the overall well-being of a country. Sir, cyber attacks on CII can cause huge financial loss, huge environmental damage, and pose a threat to defense, security and integrity of our country. Sir, the recent cyber attacks on Mumbai's power grid is a reminder of the vulnerability of India's key installations. As reported in the international media report, hacker group called Red Echo, one can guess the country of its origin, it has repeatedly targeted the control rooms of Power System Operation Corporation Limited. Sir, Maharashtra government cyber police have found evidence of Trojan infiltration of the server of Maharashtra State Electricity Board. Reportedly, another hacker group, this time the name is Stone Panda. Again, no award for guessing the country of origin. Stone Panda has recently aimed its cyber moles at Serum Institute and Bharat Biotech to exfiltrate intellectual property. Sir, this is nothing but a proxy warfare.
Sir, I do not want to be an alarmist, but there is a non-trivial possibility that this could escalate even to a nuclear plant meltdown. Sir, I strongly urge the government to strengthen our cyber security demonstrably. Some experts say that this was just a signal. Sir, I don't want to be a jingoist, but sir, I think the time has come to give an effective return signal. We must demonstrate to any country which is threatening our national security what we are capable of. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Yes, Dr. Associate Sribbejdena. Dr. Sasmit Patra. Manyavar Adhyakya Mahoday, mo matrubhasa Odia re. Odia me bol. Mo matrubhasa Odia re kahiya pe mote sujog deba tharu onyan anek dhanyawad. Manyavar Odisha भारत वर्ष रे चतुर्थ बृहत राज्य खाद्य शस्य जोगाण रे प्रतिवर्ष पाकापाकी 24 लक्ष मेट्रिक टन चावल ओडिशा व्यवहार करिथाय एवं एई खरीफ ऋतु रे पाकापाकी 30 लक्ष मेट्रिक टन चावल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया माध्यम रे उत्तोलन करिवार आवश्यकता रहिछि। जदि 13 मार्च पर्यंत एई वर्ष आमे देखु केवल 665,000 मेट्रिक टन चावल उत्तोलन करा जाइछि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया माध्यम रे। जदि एई गति रे चले तेबे एई खरीफ ऋतु रे जो 30 लक्ष मेट्रिक टन चावल उत्तोलन करिवार आवश्यकता रहिछि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया माध्यम रे सेरा करा जाइ परिबो नै। सो गदि गत वर्षर तुलना करा जाय गत वर्ष फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 17 लक्ष मेट्रिक टन चावल केवल उत्तोलन करथिला। जदि ए वर्ष केवल से 17 लक्ष मेट्रिक टन चावल उत्तोलन करती पाखापाखि 13 लक्ष मेट्रिक टन चावल ओडिशा पाखे गच्छित रहिबो जहाँकि ओडिशा को क्षति दब 4,160 कोटी टंकार। माननीय आपणक माध्यम रे मु सरकार को अनुरोध करी प्रथमतः ये जो 30 लक्ष मेट्रिक टन चावल ये खरीफ ऋतु में उत्तोलन करार आवश्यकता रही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया माध्यम त्वरान्वित करा। द्वितीय जदि आप देखिए प्रोविजनल एंड एडवांस सब्सिडी जोटा कि चाउल जोटा कि आम ओडिशा स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन अच्छी सी शस्य प्रोक्योरमेंट कलापर परवर्ती समय केन्द्र सरकार रिमबर्स कर बाबद को प्रोविजनल एंड एडवांस सब्सिडी 5,616 कोटी टंकर आउरी प्राप्य ओडिशा राज्यर अच्छी। एपण माध्यम अनुरोध करुच्ची केन्द्र सरकार एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया माध्यम 30 लक्ष मेट्रिक टन चावल तुरंत उत्तोलन करने एक खरीफ सीजन में चेष्टा करूँ और कार्यकारी करातु। द्वितीय 5,616 कोटी टंका रो जो प्राप्यर अच्छी जो पेंडिंग सब्सिडी रही ओडिशा को दवापाई तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ आपण माध्यम सरकार का पाखे यही विनीत अनुरोध कर। धन्यवाद। धन्यवाद सुस्मित पात्रा जी। इज अ थ्रस्ट इज अ एक्सक्वेशन ऑफ सरप्लस राइस फ्रॉम ओडिशा and then release the pending subsidy to the state. That's the issue. So Kram ji, if you can wait for a minute. Oh, Revati Raman Singh ji, pahle thoda unhone request kiya. Revati Raman Singh ji, mani sabhapati ji, main aapko dhanyawad dena chahta hu ki itna mahatvapurn sawal ka aapne mujhe bolne ka आज्ञा दिया है। मान्यवर, गंगा और हिमालय हमारी संस्कृति की प्रतीक हैं और मान्यवर इसका इतना बड़ा व्यवसायीकरण किया जा रहा है। एक तो हिमालय कच्चा पहाड़ है, कच्चा पहाड़ में अंधाधुंध ब्लास्टिंग किया जा रहा है जिससे कि पूरा पहाड़ हिल जाता है और मान्यवर इसके हिलने से अभी जो वहाँ पर व्यवसायीकरण हो रहा है 8 नए बांध 19 बांध पहले से बने हुए हैं उसके अलावा 8 नए बांध और बनाए जा रहे हैं। चार धाम यात्रा के लिए सड़क चौड़ी की गई है जिसमें 1,00,000 पेड़ काटे गए हैं और मानवर ये पेड़ ऐसे हैं जो कि दोबारा वहाँ फिर लगाए नहीं जा सकते। पूरा हिमालय में 400 गुना ज़्यादा कार्बन
उस ग्लेशियर में जमा हो रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर इतने बड़े पैमाने पर टूट रहे हैं कि मानवर एक बार तो केदारधाम में त्रासदी हुई जिसमें हजारों लोग मारे गए, अभी ऋषि गंगा में मानवर कम से कम 200 लोग मारे गए और आज तक उनका अता पता नहीं लग पाया। मानवर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी कार्य हिमालय में हो रहा है उसको तत्काल रोक दिया जाए। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका भी उद्धरण आपको देना चाहता हूँ और एक आधे मिनट में जो सुषमा स्वराज उस समय तत्कालीन मंत्री अरे नेता विरोधी दल थी लोकसभा में, उनका भी उद्धरण आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मानवर, ये कंक्रीट का जो निर्माण हो रहा है ये हिमालय के जलवायु परिवर्तन को भी बहुत प्रभावित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि अकेले चार धाम यात्रा में लगभग 1,00,000 से ज़्यादा पेड़, बांझ, देवदार, फैल, पदम, ऐसे तोन जैसे अमूल ये पेड़ बस बार बार एक मिनट में ये काट दिए गए हैं। और मानवर, ये पेड़ फिर दोबारा लगाए नहीं जा सकते। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और पानी का संकट हो रहा है, अभी नीति आयोग टाइम और धन्यवाद दे रहे हो रमण जी, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता है, आपको मालूम है ना, इसलिए मैंने थोड़ा आपको पहले ही थोड़ा चेतावनी दिया। श्री शक्ति सिंह गोविल, प्लीज। माननीय सभापति महोदय, आएगा आपने त्याग किया अपना प्रेफरेंस उनको दिया, बाद में आपको भी आएगा। हाँ श्री शक्ति सिंह। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बड़ी गंभीर समस्या के प्रति आपके जरिए सरकार का और इस गृह का ध्यान दौड़ना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, एशियाटिक लायन, एशिया के शेर, वो हमारी धरोहर है। गिर फॉरेस्ट की अगर पहचान पूरी दुनिया में है तो एक गिर के अंदर एशियाटिक लायन जो रेयरेस्ट रेयर पाए जाते हैं वो है, उसकी वजह से पूरे गुजरात और गिर का हमारा सौभाग्य और गौरव भी है। जो 2020 में मूनलाइट पे सर्वे होता है उस सर्वे के हिसाब से जू में भी है वो भी और गिर फॉरेस्ट में है, वो टोटल मिला के 674 की टोटल आबादी है, सिर्फ 674 है। बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, 2018 में रेलवे की पटरियों पे अकस्मात से एक्सीडेंट से 193 एशियाटिक लायंस मारे गए, 193, और 2019 में 200 शेर रेलवे की पटरियों पे एक्सीडेंट से मारे गए। अगर ये दो साल का भी आंकड़ा ले ले मान्यवर, तो जो आज आबादी है एशियाटिक लायन की उसमें 50% की बढ़ोतरी होती है अगर ये एक्सीडेंट से इतने शेर नहीं मारे गए होते। और व्यवस्था हो सकती है, मैं आपके जरिए सरकार से गुजारिश करता हूं कि एक प्लान भी बना था, एक्सपर्ट्स ने भी सुझाव दिए थे कि किस तरह से वहां से एशियाटिक लायन रेलवे की पटरियों पे एक्सीडेंट से बचाए जा सकते हैं, तो उसका तुरंत प्रबंध किया जाए, यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद मान्यवर जी। धन्यवाद शेख सिंह जी, महत्वपूर्ण विषय जिनको एसोसिएट करना, नाम भेज दीजिए। चौधरी सुखराम सिंह यादव। मैं आभारी हूँ माननीय सभापति जी आपका कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। माननीय सभापति जी, मैं कानपुर से आता हूँ और कानपुर पहले कानपुर नगर देहात उन्होंने एक ही जिला था। माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कानपुर नगर देहात का देहात को मुख्यालय बनाया और देहात जिला अलग कर दिया। ज़्यादातर लोग कानपुर रहते हैं और कानपुर से प्रतिदिन वो कानपुर देहात के लिए आते हैं जहाँ मुख्यालय उसका है, और रास्ते में एक टोल टैक्स पड़ता है 12 टोल टैक्स में
आए दिन झगड़े होते हैं, और उसका मुख्य कारण ये है कि टोल टैक्स की सीमा जहाँ पर टोल टैक्स लगाया गया है उससे पहले जहाँ लगा था टोल टैक्स बॉर्डर जहाँ बनाया था उन्होंने वो शहर के नज़दीक था। अब बीच में कानपुर देहात के बीच में लेके आए, ज़्यादातर किसान जो आसपास के गांव में रहते हैं रोज़ उनका आना जाना होता है मुख्यालय में, और मुख्यालय आने जाने में रोज़ विवाद पैदा होते हैं। मेरी यही मांग थी इसमें माननीय सभापति जी कि जहाँ पर मुख्यालय जहाँ पर टोल टैक्स का कार्यालय पहले था, टोल टैक्स जहाँ स्थापित था पहले, उस स्थान पर अगर स्थापित कर दिया जाएगा सारी समस्याएँ खत्म हो जाएंगी। मैं आपसे मांग करता हूँ कि आपसे माध्यम से माननीय मंत्री जी से हमारी मांग है कि टोल प्लाजा को 12 से हटाकर पूर्व की भांति सिकंदरा के पास और कालपी रोड पर प्लाजा को पूर्व की भांति स्थानांतरित कर दें ताकि समस्या रोज झगड़े खत्म हो जाएं, और जो टैक्स देना हो टैक्स दें, ना देना हो ना दें, अपनी ये प्रिय बात है, लेकिन समस्याएं नहीं पैदा होगी। रोज़ आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि आज वहाँ झगड़ा हुआ वहाँ आज झगड़ा हुआ। इससे माननीय सभापति जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस विषय पर माननीय मंत्री को आवश्यक निर्देश देने कष्ट करें ताकि समस्या खत्म हो सके। धन्यवाद शुक्राम जी। प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया सभापति महोदय। एक महत्वपूर्ण विषय पुनः संज्ञान में लाने के लिए आपने परमिशन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कोरोना के इस दौर में बड़ी चिंताजनक कुछ खबरें आ रही हैं जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंची हैं। 3 से 4 करोड़ राशन कार्ड्स कैंसिल कर दिए गए, पहले कहा गया बोगस है, लेकिन बाद में तहकीकात से पता चला कि इनमें से अधिकांश कैंसिल हुए थे क्योंकि ये बायोमेट्रिक जो लिंकेजेस हैं वो नहीं हो पा रहा था, मतलब मसलन आयरिस आइडेंटिफिकेशन, थंबप्रिंट्स और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम से बिना इस बात की पड़ताल किए हुए कि माननीय सभापति महोदय कि ट्राइबल और रूरल एरियाज़ में इंटरनेट का क्या हाल है, और उसकी वजह से कई जगह हंगर डेथ्स की भी सर रिपोर्ट्स आईं। भूखमरी से अगर मौत हमारे मुल्क में हो रही है इतनी संपदा के बाद, तो ये पूरे हम सब पर एक बेहद ही अशोभनीय से टिप्पणी है कि हम किस प्रकार का समाज और निजाम गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूँगा कि अब ये तकनीकी खामियां, तकनीकी दिक्कतें इनको खारिज करते हुए ये व्यवस्था की जाए कि तमाम जो कार्ड कैंसिल किए गए हैं राशन कार्ड उसको बहाल किया जाए। और एक और महत्वपूर्ण पहलू माननीय सभापति महोदय कि राइट टू फूड जो एक बड़ी संघर्ष के साथ लोगों ने हासिल किया, उस कानून के तहत नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट होने थे अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अनफॉर्चुनेटली सर, किसी भी राज्य में नोडल ऑफिसर अपॉइंट नहीं हुआ है, किसी को एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, और उसमें अधिकांश लोग फूड सप्लाई डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा सर कि फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो तत्व है, जो उसकी उसका प्राण है, उसकी आत्मा है, उसके मद्देनज़र पहले तो रीइशू किए जाएं ये जो कैंसिल कार्ड्स हैं, और साथ ही साथ एक कमिटमेंट भी आए कि हमारे लिए खाद्य सुरक्षा महज एक कागज़ पर लिखी इबारत नहीं है, उसे हम ज़मीन पर उतारना चाहते हैं ताकि एक भी अगर हंगर डेथ होता है तो एक सभ्य समाज के बारे में अच्छी टिप्पणी नहीं है। शुक्रिया सर, जय हिंद। धन्यवाद जी। श्री राम विचार नेतम, और उसके बाद कनक मैडम रविंद्र कुमार। सब्जेक्ट एक ही है, स्टेट अलग है, बट हाँ एक के बाद। सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका आभारी हूँ मैं। महोदय, पूरे देश में गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत ही उपयोगी योजना जो है लागू किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, किंतु छत्तीसगढ़ के आवासहीन ज़रूरतमंदों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस एलिगेशन नहीं, मैं आगे बता रहा हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में। ना कोई आरोप है तो मैं महोदय, वर्ष 19-20 में 1,51,100 आवास, 2020-21 में 6,48,867 आवास की केंद्र द्वारा स्वीकृति का लक्ष्य मिला था। राज्य सरकार ने मात्र 1,20,000 आवास बनाने का निर्णय लिया है। इस प्रकार लगभग 8,60,000 के लगभग आवासहीन परिवार
इस मूलभूत सुविधा से वंचित हो जाएंगे। पीएम आवास योजना में केंद्र सरकार का महोदय 60% राशि और राज्य सरकार का 40% राशि के अनुपात से स्वीकृति दिया जाता है। विगत दो वर्षों के पीएम आवास योजना की राशि लगभग 1,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा जमा नहीं कराए जाने के कारण केंद्र सरकार द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में राज्य शासन अभी असमर्थ रही है। प्रदेश के गरीब वर्ग के आवासहीन, जिसमें बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग से अति गरीब लोग हैं, इनके खाते में राशि नहीं आने से वहाँ के गरीब जनता जो है आपसों के चक्कर लगाते लगाते परेशान। महोदय, मेरा सिर्फ आपके माध्यम से निवेदन है कि इस लोक महत्व के विषय को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवासों के स्वीकृति देने एवं सभी स्वीकृत आवासों को पूर्ण करने राज्य सरकार को रविंद्र कुमार जारी करें। थैंक यू सर। इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 27,350 हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड अंडर पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम ड्यूरिंग 17-18 and 18-19, 18,679 houses constructed. But whereas in 19-20 and 20-21, no house has been constructed despite of the release of the funds by the central government. I came to know that the central government has released 3,000 crores, but the state government did not release its share and no house had been constructed and the funds have to be utilized. The earlier state government planned to identify the beneficiaries and also planning to construct 10 lakh houses in the rural areas, but out of which 6.2 lakhs houses have been cancelled by the present government and the beneficiaries also lost their right to get the houses. Likewise, urban areas also, as per the Shirwal technology issued by Ministry of Urban Development, Government of India, 2,62,216 houses had been constructed, almost completed, but unfortunately the houses did not deliver possession to the beneficiaries. What is your suggestion? Time till now. Therefore, I request the central government to take the steps and direct the state government to deliver possession of the houses immediately, and also take steps to construct the houses under Pradhan Mantri Yojana Gramina scheme in order to render development and also welfare of the poor people in the state of Andhra Pradesh. Thank you, sir. Srimati Mamata Mohanta. When two people's names are there, the first man will get 2 minutes and the second person will get 1 minute. Keep that in mind. Please. Swabhapati Mohoday, aapne mujhe ek mahatvapurna vishay mein bolne ki anumati di, isiliye aapko bahut bahut dhanyavad. महोदय, हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। हर माता पिता का तमन्ना रहती है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर खूब बड़ा बने और दुनिया में खूब नाम रोशन करे। इन सपनों को पूरा करने में जवाहर नवोदय विद्यालय का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले प्रभावशील बच्चे का अच्छी आधुनिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस विषय में सरकार का ध्यान ओडिशा के मयूरभंज जिला के रायरंगपुर सब डिविजन में एक नवोदय विद्यालय की मांग कर रही हूँ। मयूरभंज की जनसाधारण कृषि और कृषक श्रम के आधार पर जीवन यापन करते हैं। ये जनजाति बहुल पिछड़ा जिला है, अधिकांश लोग गरीब है। ये अपने बच्चों को शिक्षा देने में बहुत रुचि रखते हैं, पर आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण प्राइवेट स्कूल से शिक्षा देने में असमर्थ है। जिला बहुत बड़ा है, एक नवोदय विद्यालय है, लेकिन ज़्यादा छात्र छात्री हैं और प्रभावशील छात्र प्रवेश से वंचित रहते हैं। अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि इस मामले को संज्ञान में लेकर ओडिशा के मयूरभंज जिला के रायरंगपुर सब डिविजन में एक नवोदय विद्यालय स्थापना यथाशीघ्र करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। धन्यवाद ममता जी।
डॉक्टर भगवत कराद मराठी. यस सर. सर मी मराठीतून बोलू इच्छितो, मला अनुमती द्यावी. बोलो बोलो बोले. मागील आठवड्यात पर्यटन मंत्रालयावरती सभागृहामध्ये चर्चा झाली. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पर्यटन विकास वर सभासदांनी आपले मत मांडलेले आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था व रोजगार वाढीसाठी पर्यटन क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. माननीय सभापती महोदय, जगप्रसिद्ध अजिंठा व वेरूळा येलोरा केव्ज औरंगाबाद संभाजीनगर शहराजवळ आहेत. अजिंठा लेणी साधारण 2500 वर्षापूर्वीची तर वेरूळची लेणी साधारण 2000 वर्षापूर्वीची आहे. महोदय, अजिंठा लेणीमध्ये बौद्ध धर्माचे विविध रूप, सभागृह, प्रार्थनागृह, संस्कृती, राहण्याची व्यवस्था भिंतीवर व छतावरती विविध पेंटिंगमध्ये कोरले आहेत. भगवान बुद्धांच्या जीवनातील वेगवेगळे प्रसंग व बौद्ध देवतांचे व्यापक चित्र येथे आढळतात. महोदय, 1983 जो जागतिक युनेस्कोने सर्वे केला, त्या सर्वेमध्ये देशातून फक्त 4 हेरिटेजची नोंदणी केलेली आहे. त्यामध्ये अजिंठा, वेरूळ, ताजमहाल आणि आग्राचा फोर्ट असे आहेत. वेरूळचं महत्त्व असं आहे की या ठिकाणी 34 लेण्या आहेत. 1 ते 10 लेण्यामध्ये बौद्ध धर्माचेबद्दल, 13 ते 20 हिंदू धर्माबद्दल, 30 ते 34 जैन धर्माबद्दल माहिती दिलेली आहे. वेरूळ लेणीमध्ये 16वी लेणी जी कैलास लेणी आहे, ती एका पाषाणामध्ये वरून खाली कोरीत आणलेली आहे आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण लेणी आहे. अशा या लेण्या पाहण्यासाठी दरवर्षी जवळजवळ 25 लाख पर्यटक या ठिकाणी येतात. महोदय, आपल्या माध्यमातून केंद्र शासनास मी विनंती करू इच्छितो, यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करण्याची गरज आहे. त्यामुळे आणखी पर्यटक आकर्षित होतील. त्यामध्ये प्रामुख्यानं एखादा साऊंडलाईट शो, एखादा रोपवे जर करता आलं तर चांगलं होईल महोदय. त्याचप्रमाणे हेलीपॅड जर करता आलं तर चांगलं होईल. याशिवाय प्रमोशनमध्ये जर एखादा कला महोत्सव घेता आला, एखादा TV YouTube याची ॲडव्हर्टाईज करता आली तरी चांगलं होईल. याचप्रमाणे जर देशातील व परदेशातील बौद्ध स्थान ज्या ठिकाणी आहेत, त्या ठिकाणी औरंगाबाद संभाजीनगर शहराची एअर कनेक्टिव्हिटी वाढवली तरी आणखी खूप चांगलं होईल. म्हणजे पर्यटक डायरेक्ट संभाजीनगर शहराला येऊ शकतील. महोदय, शेवटचं आणि महत्त्वाचं, मला आपल्या माध्यमातून केंद्र शासनास विनंती करावीशी वाटते की पर्यटन स्थळाचा विकास, संवर्धन, संरक्षण आणि संशोधन करण्यासाठी देशामध्ये एखादी स्वतंत्र संस्था जर निर्माण केली तर सर्व पर्यटक स्थळाची माहिती त्या ठिकाणी उपलब्ध होईल. तशी ही संस्था निर्माण करावी मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. और मैं सर आपसे और सभागृह के सदस्य विनंती करता हूँ, आप कम से कम लाइफ में एक बार तो आके एलोरा और अजिंठा देख लेना. इतना विनंती करके मैं मेरे वाणी को आराम. शुभेच्छा है तुम्हें. शुभेच्छा है. नीरज डांगी. थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर. अभी मत जाइए सदन सर, अभी वो लोग अजंता जाना चाहते. थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर. सर माय सब्जेक्ट इज इट्स अ कंसर्न ओवर डाइल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशंस फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स. सर दिस इज द डायरेक्ट वॉल्यूशन ऑफ द provisions of the article 15(4) and article 16(4) of the constitution of india. On 4th august 2020 UPSC released the list of selected candidates for the civil services examination 2019. A total of 829 applicants have been selected, and among the selected candidates 129 were SC and 67 were from the ST candidates. As per the statement of UPSC, another 66 candidates have been put on the provisional list, while results of 11 candidates have been kept withheld. On 4th January 2021, instead of 66 candidates, a reserve list of 89 candidates was released. With the release of this list, a result of total 918 candidates out of 927 vacancies has been declared for UPSC so far. As per the percentage of reservation prescribed by Government of India and Central Services for SC and ST candidates, there must be selection of 139 from SC and 69 from ST candidates. But unfortunately, only 130 candidates from SC and 67 from ST candidates have been selected. Further, on 5th February 2021,
Government of India issued a notification for lateral recruitment of joint secretary level and director level posts on contract basis without any reservation for SC and ST. These 10 vacancies advertised for direct entry for are curtailed from SC and ST quota. Isn't it another ploy to sideline and reduce the reservations for deprived sections? Sir, the Government of India is strategically hammering on affirmative provisions of Constitution like the reservations for deprived communities. It is my humble request through you, sir, to ensure the constitutional provisions of reservations for SC and ST. Thank you, sir. धन्यवाद नीरज जी. श्री सुरेंद्र सिंह नागर. श्री सुरेंद्र सिंह नागर नॉट देयर. श्री मिस सरोज पांडे. सरोज पांडे नहीं. राइट, गोइंग टू स्पेशल मेंशन डॉक्टर.